क्या चला क्या जानते हो वो आप तो छुट्टी लेकर आ गए सारे इधर आ गए इधर आ गए एक कोई बात नहीं तो ऊपर करा ये ले आ रहा हूं जरा देख वही सही दुकान से होता है खबा क्या इतनी गर्मी ले आ तो भेजा ही पेगा क्या वॉलपेपर मिल गया अरे भाई राजा बेटे स्कूल पे आके तुम यहाँ बैठो चलो मुँह दो दूध पियो आ जाओ अरे भारत हाँ हाँ बेटे मिल तो गया लेकिन दिमाग खाली हो गया मेरा ऐसा चोर सेल्समैन मेरे साथ पाकिस्तानी पहचान लिया प्याली नजर में मैंने कहा जनाबी आली मुझे इम्पोर्टेड वॉल पेपर चाहिए और वो भी पेल लेमन में माने ना जिद किया जाए यही इम्पोर्टेड स्टफ है तुमने बेगम आरफीन का रेफरेंस देना था दिया अम्मी उन्हीं की वजह से तो एक कागज मिला वरना सेल्समैन साहब तो खड़े थे बैल की तरह कोई और डिजाइन नहीं था तायरा क्या पता बस्लो सिटी में कौन सा फैशन चल रहा हो आपसे तो मैंने अर्ज की थी कि मेरे साथ चले आए को मुझे पानी पिलाए प्लीज खुद काम किया करो यूरोप अमेरिका और रूस की औरतों की तरफ देखो कैसे मशीन की तरह घूमती फिरती इसीलिए तो वो मुल्क तरक्की कर गए और एक हम औरतें के पड़े हैं तोते के तोते चले आए मेरे साथ और चले इस गर्मी में बाहर सारा रास्ता व्हील पर सूरज पड़ता रहे मेरे तो बाजू भी टैन हो गए दिखाओ एयर कंडीशन के साथ लगाना ये प्लग मोटर कंट्रोल के लिए स्टेबलाइजर रखना है यार साथ स्टेबलाइजर तो बेहूदा लगता है संदूकड़ी सी बजाजों की आयरन से कौन सी चीज बेहतर रहेगी मिस्त्री जी जी दोनों चीजें ठीक है जी दरअसल ग्राहक की मर्जी पर है बेगम साहब ये आप जो ला देंगे मैं लगा दूंगा मेरा होने वाला दामाद 6 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है 6 साल का अर्से में काफी फर्क पड़ जाता है मिस्टर जी हम नहीं चाहते कि उसे पाकिस्तान में कुछ कमी महसूस हो वैसे अमूमन अमेरिकन क्या लगवाते हैं अमेरिकन ये पलक भी लगवाते हैं और स्टेबलाइजर भी लगवाते हैं जी साहब साहब की मर्जी होती है बेगम साहब आप उसे क्यों पूछ रही हैं अम्मी तुम चुप करो मिस्त्री जी आप ऐसा करो कि जो अमेरिकन लगवाते हैं ना वही लगा दें आराम से कोई मुझे पानी पिलाए पानी देखा है इसको काहिल को गुलाम रसूल भी कोई है ताहरा बीबी के लिए पानी ले आओ तुम खुद निकालो ना बोतल फ्रीजर से ऐसा भी क्या है ताहरा कौन फ्रीजर तक जाए अम्मी कौन इसे खोले बोतल निकाले ग्लास में डाले फिर पिए फिर आए फिर लेटे इससे तो प्यासे ही भले हारिस ने क्या लिखा है सलीमा कब पहुंच रहा है हारिस ने अम्मी लिखा था कि वो पहले तो जीए भर के जाएगा ना सीधा उसके 3 दिन के बाद वो यहाँ आएगा है ना बेवकूफ भले आदमी तू यहाँ रुक सफर की थकान उतार और फिर तू मिलने चला जा ताई से अम्मी हारिस अपनी ताई का बड़ा एहसान मंद है उसका ख्याल है कि अगर ताई जी ना होती तो वो कभी FRCS ना कर सकता था हाँ हाँ उसके मरहूम बाप की जमीनें बेच बेच के ताई में पढ़ाया अपने पल्ले से क्या लगा दिया बाजी ने बेटे का घोंसला काम दे घड़ी के साथ क्यों बड़ा खूबसूरत है हारिस भाई खुश होंगे मैं खीखे के दर से उतार के लाया हूँ खुद खामुखा वहाँ ब्याह होता है बफलो सिटी में होता है या नहीं होता ये कोई इतनी बड़ी सौगात नहीं है बेटे का घोंसला बड़ा खूबसूरत है आप देखिए तो सही मैंने देखा हुआ है बचपन में यही होता था खेलने चलो शाबाश रजा मेरे लिए गिलास पानी लाओ शाबाश और देखना काम चोरी ना करना पानी ग्लास में डाल के बोतल फिर भर के रख देना कैप भी लगाना अच्छी तरह से अच्छा जी बाजी आपने वॉल पेपर पर कमेंट नहीं दिया वो ही बताएगा ये बग्गे वाला मैं तो ये समझती हूँ कि यहाँ पर अगर आदमी के पास पैसे हो भी अपनी पसंद की चीज तो वो ले नहीं सकते वो वैरायटी होती नहीं दुकानों पर जो हम फॉरेन रिसालों में देखते हैं ये जिया बग्गा क्यों जा रहे हैं हारिस भाई अपनी ताई जी से मिलने अदब आदाब करने कोर्नेस तस्लीमात वगैरह कसम लगे तुझे थक सकता ना हारिस बिल्कुल सच पूछे रात को नहीं खाया हुआ सब्जी खाता था विद कॉफी हाँ संडे के संडे जाता था 60 मील दूर बफलो से जाता था और वहाँ रेंच से एक मुर्गी चुरा फिर उसे हलाल करता फिर धनिया गरम मसाला मिला के ना उसको इलायची का बघार देकर खूब भूनता था कड़ाकेदार 2-3 लौंग भी डाल लिया कर उसमें वहाँ दालचीनी का ज्यादा रिवाज था लेकिन तू वहाँ ऑपरेशन करता था कि गोश्त बनाता था मुर्गियों का दोनों काम करता था देखो ना जब कोई दिल वाला आ जाता था तो उसका दिल खोल लेता था
और फिर जब संडे आता था तो मुर्गी खोल लेता था। दोनों काम बहुत ही आसान है भाई। अच्छा हारिस जी, एक बात और पूछ लूं। हाँ पूछे पूछे, क्यों नहीं? तो गुस्सा ना लगा लेना दिल में मेरी बात का। अरे नहीं भाई, बिस्मिल्लाह पूछे ना। सारा वक्त मैंने फिक्र करना, सारा वक्त मैंने सोचना, हाय मैंने हारिस को क्यों भेज दिया अंदर का। उन लोगों का रहन सहन कुछ और तरह का होता है। कहीं 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 क्या? वो तो पीने पिलाने तो नहीं लग पड़ा था, सुना है वहाँ औरतें भी पीती। अरे ताई 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 प्लीज, देखो लंबी तान कर सोया कर तू। तेरे हारिस डॉक्टर को वहाँ वक्त ही कहाँ मिलता है ऐसी हरकतें करने का, हराम खाने का, मेमो के साथ घूमने का। देखो पाकिस्तान की इज्जत हमें बहुत प्यारी है ताई, हम इसकी इज्जत के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बड़ा बड़ा बीबा बीबा बन के रहना पड़ता है हमें, चाहे उसके लिए हमें कितना ही जोर क्यों ना लगाना। जा झूठा। नहीं नहीं, पाकिस्तान से बाहर चलकर देखो, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए प्यार नहीं हो सकता। वहां पे हम बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए बहुत कुछ करते हैं। मरीज कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी डॉक्टर से इलाज कराएं। हाय तुझे क्या वक्त पड़ा हुआ है रजिया, बैठ भाई से बातें सुन। अमरीका क्या करती आई है? हारिस भाई के कपड़े धो रही थी। भाई मेरे कपड़े धोने की क्या जरूरत थी, मैं लाहौर जाता वहां जाके धुला लेता, नो प्रॉब्लम। ये आपके जेब में से नोट निकला भाई जान। अरे दिखा मुझे। अच्छा ये है अमरीकी नोट, कितने का है हारिस? $5। मैं रख दी इसे, पिंडी की औरतों को दिखाऊंगी। अब दिखाए ताई दिखाए, लेकिन ताई एक बात बताऊं मैं, बड़ा ही कमजोर नोट है ये, $5 का कुछ नहीं मिलता वहाँ। जरा आशी की माँ को ये नोट दिखाऊ ना। रजिया जी भाई जा। क्या हुआ था तुम्हारे मियाँ को? वो ताई के खत से कुछ खुला नहीं मुझ पे। बस ये वो खांसते रहते थे, हमने बहुत इलाज कराया, बड़े अस्पताल ले गए लाहौर में, लेकिन न जाने क्या हो गया। वो डॉक्टर क्या कहते? कहता था दिल का कोई खाना बंद हो गया, अचानक फौत हो गया। बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के। सभी को बहुत अफसोस। आशी की माँ मानती नहीं कि ये विलायत का नोट है, कहती है ये जाली नोट है, गलत मुहर छप गई है इस पर। क्या हुआ रजिया, बैठ कहाँ चली? इसे ना रोकें प्लीज, इसे जाने दे बस। मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई, वो उसके डोडे की तरह इसका दिल हमेशा से बंद रहता है, खुलकर बात ही नहीं करती। आपने इसकी शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों कर दी ताई? ले छोटी उम्र का थी, पूरे 16 साल की थी, 1.5 साल शादी रही, तब भी मैंने इसे कभी हंसते नहीं देखा। अब 2 साल की घर बैठी उजड़ के, अब भी मैंने इसे कभी खुश नहीं देखा। कुछ रूहें ऐसे दुख भुगतने को दुनिया में आ जाती हैं, जैसे चमगादड़ नहीं उल्टी लड़की होती, ऐसे ही रजिया है। कोई जग बखरी बात तो नहीं, शादी भी है बेवगी भी है, दुनिया जो हुई हारिस। ताई जैसे यहाँ की गर्मी है ना, यहाँ की सरसों, यहाँ की मानसून, ऐसी जली जली सी बुझी बुझी सी लड़कियां भी यही मिलती हैं। धरती पर धूप से कुमला जाने वाली लड़कियां वहां नहीं होती थी। इसमें कोई ठीक नहीं होना हारिस। अच्छा तू ये बता जी, वहां पाशी पढ़ा करता था? हाँ कभी कभी देख लेता था तर्जमा। अब भी नादरे से पढ़ा कर, बरकत होती है। ये देखिए मैं आपके लिए लाया था ये। अरे ये क्या है? ये परफ्यूम है, खुशबू। अरे 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 मुझे तो हंसी आती है हारिस ये बोतल देख के। सच्ची कैसी चीजें बना देते हैं अंग्रेज भी। क्यों? अतर की विधार मारते हैं, लगाते नहीं फोटे से। अच्छा अरे गोरे मेरे हम से इलाज कराते हैं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका ऑपरेशन करने वाला पाप हो। ब्लैक सिटी उस शहर का नाम है, बाफलो सिटी जिस शहर में काम करता है उस शहर का नाम। अच्छा क्या मतलब बताया था हारिस ने? भैंसपुरा। भैंसपुरा ये अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। और हमारे गुमारों की तरह जिया बग्गा का सोबे को भूड पूरा रखने अपने शहरों का नाम। जा रतिया अतर ला के दिखा। जा बेटी ला। ऐसा अतर लाया हारिस
खुशबू मुड़ी फिरती है सारे गाँव में। कोई मेम नहीं लाया मासी वहाँ से? क्यों मैं क्यों लाता, और चीजें लाया अपने पल्ले से खरीद के, ईमान ही लाया उन पर। हमने देखनी थी बुआ, आए हमें मेम में देखने का बड़ा शौक है। ला सकता है मेम ले आता वहाँ पे, थोड़ा बड़ी इज्जत करती हैं वहाँ की मेम में डॉक्टरों की, पाकिस्तान में एक मेम क्या 10 मेम ला सकता था। ठीक है बड़ी कदर करते हैं वलायती लोग पाकिस्तानी डॉक्टरों की, बड़ी मशहूर है पाकिस्तानी डॉक्टर, खूबसूरत है मुझे खुद बताया हारिस ने। ये कैसे चमक है रुपया, बहुत चमक है इसमें, हमारे जमाने में तो ऐसी चीजें नहीं होती है। आगे बशीरा जनते बुआ आगे कर दुपट्टा, बहुत खुशबू है, कैसा अतर बनाते हैं गोरे, बहुत प्यारी प्यारी देख तो सही क्या आ रही। और ये आयले फूले ये किसके लिए है? हाँ ये अम्मी को देता है, इन्हें अपनी स्किन बेहतर बनाने का बड़ा शौक है। मैं समझी मेरे लिए। थैंक यू हारिस, थैंक यू। तुम ये देखो मैं अभी आती हूँ। हैं सलीमा जी, एक बुक होगी ना अब्बा की, इन्होंने लिखा था ना मुझे लाने को। शाबाश हारिस बेटे, तुमने बहुत याद रखा भाई, जरा एहतियात से निकालना। रियाज मियां तुम्हारे लिए जीन लाया था, कहाँ है? है ड्रेन पाइप की थी, नेवी ब्लू देखना जरा। 28 साइज है ना तुम्हारा? बिल्कुल सर यही साइज है, यही तमन्ना। थैंक यू हारिस भाई। सलीमा सूटकेस में देखना जरा, एक ग्रीन शर्ट होगी है? है? इसको अनफोल्ड करना जरा, रजा के स्टिकर्स हैं इसमें। थैंक यू हारिस भाई, लेकिन अब तो अच्छे से अच्छे पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। अच्छा? ओए, 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 ओए। दिल में खुश हो रहा है, ऊपर से क्या बेनियाजी दिखा रहे, शाबाश रजा। सच बाजी बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस बेटा। अपने बेटा रजा। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गुलाम रसूल मियां? अल्लाह का कैसे हो? खुदा का शुक्र मैं दवा दूं। नहीं नहीं बस ठीक। अरे ये क्या, मुझे तो सलीमा ने लिखा था कि ऑपरेशन के बाद आपकी जान बिल्कुल ठीक हो गई। जान ठीक हो गई है, बस बरसात में जरा दर्द उतर आता है। ये तो कोई बात नहीं, ये क्या मतलब है? ऑपरेशन किसने किया था? ये डॉक्टर रफीक ने किया था। और ये सेंट किसके लिए है? ये तुम्हारा पहरा बांट लो। हाँ गुलाम रसूल मियां, तो आपका जब प्लस्तर इस पर हुआ था तो वक्त पर उतरा? जी सर। ये क्या नाम हारिस भाई? यार एक दो फिल्में खींची थी मैंने, तुम ही ले लो। ओ थैंक यू भाई। सुनिए आप ऐसा करें कि कल सुबह मेरे साथ चले, मैं डॉक्टर रफीक से मिलूंगा, कंसल्ट करूंगा उनसे जरा। बहुत बेहतर सर, खुदा आपकी उम्र दराज करे। हमारे यहाँ माइक्रोफिल्म्स होती हैं किताबों की, मैंने तुम्हें तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझी, मेरी आरज़ू थी कुछ माइक्रोफिश माइक्रोफिल्म। हाँ तो आपने इशारा कर दिया होता मैं ले आता ना, ना आपने लिखा है क्यों नहीं मुझे, लिख देते हम। हाँ गुलाम सुलमिया देखो याद रखना कल सुबह 8 बजे है। बहुत बेहतर। अरे मेरा रजा शेख, तो रजा मियां मैंने आपके लिए एक वहां जहाज लिया छोटा सा, उसमें एक मोटर भी लगी हुई थी, कोई 1.5 फरलांग तक फ्लाइट थी उसकी, सुना ना। फिर जब पैकिंग करने लगा तो उसमें जगह नहीं बची तो वो वहीं छोड़ कर आते। क्या हुआ? अरे यार छोटा सा जहाज लाया हूँ तुम्हारे लिए। सलीमा देखना जरा सूटकेस में छोटा जहाज। क्या हुआ? मुझे हवाई जहाज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए वहाँ से, मुझे तो सिर्फ हारिस भाई चाहिए। ठग लो ठग लो, यही मौका ठग लो हारिस भाई का, मुझे कुछ नहीं चाहिए वहाँ से, देसी फिल्मों के हीरो। माँ मैनू तेरे सिवाय और कुछ नहीं चाहिएगा। मैं हारिस भाई को नहीं ठग सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई इसका कौन सा सिलेक्टर खराब है या वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है? मुझे पता नहीं है इसकी कौन सी नॉब खराब है। लाहौर लगाओ तो आजाद कश्मीर बोलने लग पड़ता है। अच्छा। और इस्लामाबाद लगाओ तो काबुल बोलने लग पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, देख लो मैं जल्दी से ठीक करो ना। आहा,
तेरा सुना चलो शर्म आती है हारिस भाई, प्लीज आप मुझे मजबूर ना करें। अरे भी शायरा होने में शर्म की कौन सी बात है? मैंने आज तक अपनी पोएम्स किसी को नहीं दिखाई। किसी को दिखाई नहीं आज तक? चलो क्यों नहीं दिखाई? यहाँ के लोगों का मजाक बड़ा वल्गर है, समझ से कुछ आता नहीं और मजाक उड़ाना। चलो चलो मुझे तो समझ आ जाएगा शायद, मैं कोशिश करूंगा। चलो सुनाओ। चलो नहीं। अच्छा हाँ। हीप अपॉन हीप, लेयर अपॉन लेयर, देयर लिव्स अ बियर फॉसिलाइज्ड। गुड गुड चलो। डे अपॉन डे, ईयर अपॉन ईयर, योर इमेज रिमेन्स क्लियर मेमोराइज्ड। गुड गुड हाँ। Never live in someone's heart. You'll be isolated. Always live abreast and be satiated. भाई तारा तुमने तो कमाल कर दिया, चार चांद लगा दिया हमारे खानदान को। पसंद आई आपको? बहुत अच्छी है, कमाल है। कहीं छपवाई तुम? नहीं हारिस भाई, यहाँ कोई काम का अंग्रेजी रिसाला ही नहीं, और फिर पब्लिक भी तो रिसेप्टिव नहीं है। ये भी ठीक है, तो फिर तुम उर्दू में क्यों नहीं लिखती है? उर्दू में? मैं उर्दू में? हाँ भाई उर्दू अपनी जबान है, इसमें तुम ज्यादा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, और फिर मार्केट भी है इसकी, तुम लिखो तो सब लोग पढ़ेंगे। क्यों? मैं उर्दू के खिलाफ नहीं हूँ हारिस भाई। हाँ। ये आनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सप्रेस नहीं होता, ये जबान नज़्म के लिए मौजू नहीं है। अरे मौजूनियत की क्या बात करती हो, देखो शायरी जो हमारी जबान में मिलती है ना, शायद ही किसी जबान में मिलती हुई। गजल है, मरसिया है, कसीदा है, और ये सब ओल्ड फैशन फॉर्म्स हैं हारिस भाई। हैं ओल्ड फैशन? भाई ये तो गजल सदा सुहागम होती है। आप नहीं हारिस भाई, आप बिल्कुल नहीं। हमारी गजल पढ़ ले, हमारी फिल्म्स देख ले, हमारे टीवी प्रोग्राम्स देख ले, रेडियो सुन ले, हर चीज सब स्टैंडर्ड है। वेस्ट वाली बात नहीं हमारे आर्ट्स में। अरे नहीं 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 वेस्ट की बात ना करो, देखो वहाँ पर भी सारा यही घपला है, यही मार धार से भरपूर फिल्में बनती है, खून खराबा सब कुछ यही होता है फिल्मों में, इसी तरह उनका अदब है। उनकी फिल्में देखकर मजा आ जाता है हारिस भाई, चाहे क्राइम्स की क्यों ना हो। क्या खूबसूरत टेक्निक है उनकी, 6-6, 7-7 मिनट के साइलेंट सीन्स और सिर्फ साउंड इफेक्ट्स, छोटे छोटे डायलॉग मोनोसिलेबल्स, छोटी छोटी एक्सप्रेसिव बात। मुझे तो पाकिस्तानी फिल्में जहर लगती हैं, ओवर एक्सप्रेस्ड, ओवर स्ट्रेस्ड और मेलो ड्रामेटिक डायलॉग्स बोर कर देते हैं। भाई वो इसलिए होता है ना तारा कि हम लोग ज्यादा बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। देखो ना जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, बाजार में, दुकान पर, बल्कि यूं कहो कि ट्रेन में जब पैसेंजर्स मिलते हैं आपस में, तो यूं ही बगैर तारुफ के एक दूसरे से बात शुरू कर देते हैं, क्या हाल है, कैसे हो, जिंदगी भर के दुखड़े फरोलने लगते हैं। वहां की तरह थोड़ी है वेस्ट की तरह, हे माँ हे पा यही कहा और बात खत्म, वहां तो दुखड़े फरोले जाते हैं, डायलॉग्स लंबे होते हैं, इसीलिए हमारे वो पैटर्न ज्यादा खूबसूरत है हर्ष भाई, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम एक दूसरे की आजादी का एहसास तो रहता है ना, कोई अपने आप को किसी पर इम्पोज तो नहीं करता बकवास करके। देखो हर चीज अपनी जगह बिल्कुल मुकम्मल होती है, देखो ना जैसे रेगिस्तान है, दरिया है, पहाड़ है, इंसानों में देखो जैसे गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, मंदरे हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल मुकम्मल है, है? इसमें कमतर या बर्तर तो कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे गहरा इख्तलाफ है, मुझे मुहाजिब कल्चर ज्यादा पसंद है वैश्य और अफ्रीकियों के मुकाबले में। हाँ तुम्हारी पसंद नापसंद का तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पसंद करो जिसको पसंद करना है, लेकिन लेकिन अगर ये बात पसंद सिर्फ इसलिए है कि अपने कल्चर से नफरत है तो ये बहुत बुरी बात है भाई, ये तो अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है ये तो। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी, फूल लगते हैं उनके सामने। जितने शैंपू उतने दाम, जगहों पर वो भी फूल्स लगते हैं, तो इसमें अच्छा बुरा होने की तो कोई बात नहीं है ना। देखो वो एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी जैसे वो गोरे हैं ना, वो बाहर की दुनिया उसी तरह सजाते हैं, बाहर का रख रखाव हर चीज में वो उसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, बेहतर बनाते हैं, और उनके मुकाबले में जो काले हैं, ब्राउन हैं, पीले हैं, ये सब इंट्रोवर्ट किस्म की तबीयतों के हैं, अंदर की दुनिया सजाते हैं। तो दोनों चीजें जिंदगी में तो जरूरी है ना, हर कोई अपनी जगह ठीक है, कोई कमतर बर्तर तो ना हो। वेस्टर्न लोगों के मुकाबले में हम बहुत इंफीरियर हैं, आप माने या ना माने। नहीं 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 इंफीरियर तुम नहीं कह सकती था, अलबत्ता मुख्तलिफ जरूर कह सकती हो। देखो मगरब की दुनिया ने अपने एक्सट्रोवर्ट तबीयतों से अपना एक मादी माशरा कायम कर रखा, सजा रखा, जिसकी हमारी जिंदगी में उतनी जरूरत होती है जैसे हमने इंट्रोवर्ट तबीयतों से अपनी अंदर की दुनिया सजा रखी, तो दोनों सूरतों में हमारी जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन आजादी, आजादी किस कदर है वहाँ,
ذہن کی جسم کی روح کی آزادی تو صرف جسم کی ہوتی ہے دارا روح اور ذہن تو بیچارے قید رہتے ہیں جسم کے لیکن تم کیوں اس خوف سے زرد پڑ رہی ہو تمہارا چہرہ نہیں بلکہ تمہارا ذہن بھی مجھے تو زرد لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے تم اس کلچر کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہو Never, not at all. نہیں یہ تو صرف روب والی بات ہے کیا ہوا بھئی ابھی تک ریڈیو نہیں ٹھیک ہوا ریڈیو ہاں ریڈیو میں ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا اب تک آپ کیا کر رہے تھے نہیں وہ باتیں کر رہے تھے باتیں کرنے کا ہمیں بڑا چسکا ہے نا ہماری قوم کو راضی بر رضا ہاں کیا ہو رہا ہے ٹائر بدلا گیا آپ میرے ساتھ چلیں ہارس بھائی فرسٹ کلاس ٹائر بنتے ہیں یہ اسپوکس بھی پاکستانی میڈ ہیں اچھا کمال ہے پوری سائیکلیں بنتی ہیں پاکستان میں تو رضا تمہیں پاکستانی سائیکل پسند ہے بہت دوسری سے تو اچھی ہوتی ہیں یار تو میرے ساتھ چلا میرے کا ہاں تجھے میں چاپر چھوڑا ہارس بھائی وہاں سائیکل چلانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی وہاں سائیکل رکھنے سے فائدہ جگہ کیوں نہیں ہوتی بھائی فلمیں دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر وقت کاریں ہی ہوتی ہیں سڑک پر تو بڑا ہی متعصب ہے ہاں جی یہ پکا پاکستانی کہلانا تو بہت بڑی گالی سمجھی جاتی بڑا نیرو مائنڈ سا ہوتا ہے آدمی سن ہاں جی تو میرے ساتھ امریکہ چل وہاں تجھے میں گرین کارڈ لے کر دوں گا وہیں شہریت لے لے لیکن کیوں حارث بھائی میں یہاں کا شہری ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے گرین کارڈ کی اجے تو پھر چل جرمن بن جا وہ تو بڑی بہادر قوم ہے لیکن کیوں حارث بھائی ارے یار وہاں دیکھ گرمی ورمی نہیں ہوتی ٹھنڈک ہوتی ہے مزے میں رہنا تو وہاں آم بھی تو نہیں ہوتے بس کریلے بھی نہیں پکتے دھاگے والے تو میرے ساتھ چل ہیں میں تجھے وہاں پڑھا لکھا کے بڑا آدمی بناؤں گا میں تو کہتا ہوں حارث بھائی اب واپس آ جائیں اور ایک کلینک کھولے چھوٹا سا اور چھوٹے آدمی بن جائے پھر آپ کو پتا چلے گا چھوٹے ہونے میں کتنا مزہ ہے سبھی پیار کرتے ہیں چھوٹوں کو تو بڑے ٹیڑھا آدمی ہے دیکھیں
मैं छोटा आदमी हूँ, चार आने की कुल्फी लेके खा सकता हूँ, बड़ा आदमी ये नहीं कर सकता। मैं बस में सवार हो सकता हूँ, बड़ा आदमी ये नहीं कर सकता। मैं नहर में निक्कर पहन के स्विम कर सकता हूँ, बड़े आदमी को इस काम के लिए मेंबर बनना पड़ता है किसी क्लब का। अपने खानदान भर को ना डबो देना, बड़ी मुश्किल से उन्होंने खौफ पैदा किया अपने दिल में वलायत की बर्तरी का, वो टूट गया तो बिन मौत मारे जाएंगे। चले हारिस भाई, साइकिल तैयार। तो कहाँ चले? नहर पर। चलो आज तो मैंने अंदर कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ, चलो शाबाश। छोड़े हारिस भाई, हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो हमारे इंडस्ट्री में इस वक्त हो रहे हैं ना, सब नाकस है, अलग से ये तक। हमारा सामान तो अरब ममालिक तक नहीं उठाते, और तो और हम खुद पाकिस्तानी अपना सामान पसंद नहीं करते। हाँ, एक्सपोर्ट की कमी की वजह रियाज मुमकिन है कि पॉलिटिकल हो, लेकिन लेकिन अंदरून मुल्क मुमकिन है हमें अपने ऊपर एतमाद ही ना हो। अच्छा आप ये बताएं, बनाया क्या है पाकिस्तान ने आज तक? एक ढंग का बॉल बैरिंग बनानी है इसे, रोते प्रोग्रेस को। नो हाउ सिरे से नहीं है, और मुकाबला करने चले डेवलप्ड कंट्रीज का। छोड़े कुछ नहीं है, आप ऐसा आपकी वापस आने का इरादा ना कर लेना कभी। क्यों? पता है इस मुल्क में क्या है? यहाँ चोर बजाई, स्मगलिंग, डकैती, गुंडागर्दी, सियासी बदनज़मी, नौकरशाही, महंगाई, धूल, गर्मी और बदशक्ली। भाई ये सब बातें तो हर जगह है। देखो हाँ, मुझे याद है कि न्यूयॉर्क में एक दफा 4 घंटे के लिए बिजली गई, तो मालूम हुआ उस महज़ब कौम का क्या हाल है। भाई कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो उन 4 घंटों में ना हुआ। हारिस भाई, वो लोग जुर्म या क्राइम इसलिए नहीं करते कि उनकी नेचर है, वो इसलिए जुर्म करते हैं कि उनको एडवेंचर का शौक है, कुछ एक्साइटमेंट चाहते हैं वो अपने कामों में। ये तो और बुरी बात है। आप नाश्ता करें, ऑस्ट्रेलियन हनी खाएं मैक्सिकन कॉफी के साथ, क्यूबा की चीनी डाल, और भूल जाएं हम लोग कुछ नहीं है। भाई तुम तो इस कदर खौफ ज़दा हो गए हो लोगों, दिन को बाहर से आदमी आएगा और बगैर तलवार के कहेगा कि लोगों तुम्हारी तहजीब हमारी तहजीब से बुरी है, हमारे सामने झुक जाओ, तो मुझे लगता है तुम सजदे में जा पड़ोगे। बात नहीं समझ रहे। मैं तो 6 साल बाद वतन वापस आया हूँ नाना पर, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के लोग और ज्यादा बेयकीनी, ज्यादा खौफ का शिकार हो गए, अपने दीन, अपने कल्चर और अपने रहन सहन से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगे। जो कौम तरक्की नहीं करती उसका यही असर होता है हारिस मियां। लेकिन खौफ और शर्मिंदगी से तो उनका वजूद और ज्यादा खोखला हो जाएगा, तरक्की की राह और दूर जा पड़ेगी। बस अब इसी तरह से है बेटे, यहाँ के लोग तो मगरब और मगरब की मशीनों से ऐसे खायब हैं जैसे बच्चा अंधेरे से खायब होता है ना। ये खौफ कुदरती है हारिस बेटा, मगरब की जिंदा कौमों ने वो मार के किए हैं कि तीसरी दुनिया उनके सामने खजल और शर्मसार है। न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में बल्कि हमारे उलूम में भी वो हमसे आगे निकल गए हैं। अब ये किताबें तुम मेरे लिए लाए हो, इनको पढ़ के दिल खुश हो जाता है। मौजू हमारा है जिक्र का। अमेरिका के पॉलिटिशियन शीशा करके रख दिया है जिक्र खुदा को, और ये निकलसन का कशफुल महजूब का तर्जुमा। असली किताब इतनी आसानी से समझ में नहीं आती जितना ये तर्जुमा समझ में आता है। यानी आपको उर्दू से ज्यादा अंग्रेजी तर्जुमा समझ में आता? नहीं बेटे, तर्जुमा कैसा, उसने तो इसको ओरिजिनल बना दिया है। इन्नलिल्लाह। इन्नलिल्लाह की बात नहीं, ये तो मेरी लाइन है। अरसे 20 साल से दीनी कुतुब का मुताला कर रहा हूं, कोई मुल्ला कोई मौलवी वेस्टर्न स्कॉलर्स की सी बात नहीं कर सका, उनकी तो अप्रोच ही मुख्तलिफ है। ख्वाजा मीर दर्द का तसव्वुफ
इसका सबक जिस तरह एना मैरी शिमल ने दे दिया, यहां के सारे शारहीन भी मिलकर नहीं दे सके। रैल्फ रसल ने जिस तरह गालिब समझा दिया, हसरत महानी और तबा तबाही ना बतला सके। उनका अंदाजे बयान ही दिलनशीन है वेस्टर्न स्कॉलर्स का। अब इनका गेटअप, इन किताबों की प्रिंटिंग, टाइप की जमावट, इंडेक्स की तरतीब, और सबसे बढ़कर अंग्रेजी हरूफ के खदोखाल, एक ही लाइन में जिस तरह कोई चाको चौबंद फौजी दस्ता खड़ा हो, हमारी तरह से नहीं कि लाम नीचे की तरफ आ रहा है, काफ की कशिश दाएं की तरफ जा रही, शद्दो मद ऊपर की तरफ जा रही है सिमेट्री के बगैर। और फिर उनका नफ्से मजमून, क्या कहने इनके नफ्से मजमून के, झूठ भी बोलते हैं तो दिल को लगता है, बड़ा जोर है इनके दलाइल। हाँ भाई, वो तुम्हारी कांग्रेस लाइब्रेरी से जी मुझे 3 किताबों की माइक्रो फिल्म्स चाहिए। ठीक है, नंबर लिख लीजिएगा, दे दूं। यहां की किताबों का भी मैंने मुताला किया है, नदवे की, कानपुर की, मुल्तान की, थाना भवन की छपी हुई जी। लेकिन अब उसमें तो यह है कि चाकू लेके बैठो, पहले सफा काटो, उसके बाद मतन पढ़ो, मतन से हाशिए पर पहुंचो, जब हाशिया खत्म हो तो फिर सफा उल्टो। नहीं, असली किताबें तो वही है ना नाबा। देखिए, जो हम किताबें आपको भेजते हैं वो तो कन्वेयर बेल्ट पर तैयार होती हैं मैस प्रोडक्शन के हिसाब से। आप उनकी खूबसूरती से इतना ज्यादा मुतासर ना हुआ करें, और अगर मुतासर हों भी तो कम अज कम ऐसे डरा तो ना करें। आपके पास अपना भी तो बहुत कुछ है। हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है बेटे। किधर है? क्या है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। हम तो सिर्फ वेजिटेबल हैं, घास फूस। बेल्ट पर तैयार होती है मैस प्रोडक्शन के हिसाब से। आप उनकी खूबसूरती से इतना ज्यादा मुतासर ना हुआ करें, और अगर मुतासर हों भी तो कम अज कम ऐसे डरा तो ना करें। आपके पास अपना भी तो बहुत कुछ है। हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है बेटे। किधर है? क्या है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। हम तो सिर्फ वेजिटेबल हैं, घास फूस। फिर तू बताना ना रजिया। क्या बताऊँ माँ? मैं अपनी मर्जी। मेरी कोई मर्जी नहीं है ना कमली, आखिर कुछ तो तूने सोचा होगा। मेरी मशहूरी ठीक नहीं। मशहूरी? मशहूरी का मतलब? तू नहीं समझेगी माँ। ले तो समझा ना बेटी, मैं समझूंगी क्यों नहीं। समझाती हूँ। एक तो तू काली बड़ी है माँ। एक दफा मैं शेर मोहम्मद के साथ एक दुकान पर गई, थानों के थान भरे पड़े थे दुकान में, लेकिन जो कोई भी आता था बाहर के कपड़े मांगता था, जापानी केटी, बलैती शिफून और केटी मांगता था। मैंने शेर मोहम्मद से कहा, शेर मोहम्मदा, ये अपना कपड़ा क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा भला तो है। कहने लगा, ये सब मशहूरी मशहूरी की बात है, पाकिस्तानी माल की मशहूरी कुछ अच्छी नहीं है। ऐसा है? अल्लाह ना करे। मेरी भी मशहूरी कुछ अच्छी नहीं है माँ। जब मेरा डोला शेर मोहम्मद के घर उतरा तो दूसरे दिन उसकी माँ चल बसी, तीसरे महीने उसकी बहन नहर में डूब के मर गई, और 1.5 साल बाद वो भी इस दुनिया से चला गया। तो इसमें तेरा क्या कसूर? वो सब अल्लाह की रजा से गया बेटी। गया तो अल्लाह की रजा से है माँ, लेकिन मेरी मशहूरी तो खराब हो गई है। इसी तरह बेचारा पाकिस्तान भी है। मेरी बोली कोई नहीं समझता माँ। कहीं तो दिल मानता होगा रजिया। तू रहने दे माँ,
छोड़ इन बातों को। शेर मोहम्मद कहता था, जिसको पास पे बारिश पड़ जाए उसे कोई आड़ती नहीं उठाता। मेरे पे भी मीं बरस गए माँ, अगर कोई गाहक मिल भी जाए तो हमेशा उलामा मिलता है। तू छोड़ दे मेरे साथ ऐसी बातें ना कर, रोने दे। आप माने ना माने अमीर, पर मगरब की औरत भी खुश नहीं है। खुश कैसे नहीं है हारिस, अपना कमाती अपना खाती है, किसी की धौंस नहीं, किसी का रोब नहीं। अब तुम्हारे डैडी जवान से इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, बैठे हुए टोकियो में रोब यहाँ चल रहा है, सिक्का यहाँ कायम है, कभी रस्सी नहीं ढीली की। देखिए वहाँ की औरत पर तो दुगनी परेशानी है, वो नौकरी भी करती है बेचारी और फिर साथ साथ वो बेचारी घर का भी ख्याल रखती है। क्या बात, मेरी तो पेशेंस है अमी वो लोग, और सिरों के हिसाब से मैं देखता हूँ ट्रैंकुलाइजर्स इस्तेमाल करती है। वो आजाद इंसान है, हम भेड़ बकरियां खूंटे से बंधी गाय, आजाद इंसान का गुलाम से क्या मुकाबला। अम्मी वानों की धोबी है ना खानसाम है ना जिम्मेदारी है, मगरिब की औरत को सारा काम बेचारी को खुद करना पड़ता है। खूबसूरत अपार्टमेंट होते हैं, टिंट फूड मिलता है, गर्म करो फौरन खा लो, कोई रिश्तेदार नहीं जो मुंह उठाए चला है। बेचारी को छुट्टी नहीं मिलती नौकरियों से, वो बच्चा बीमार पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है उन्हें। और फिर मैंने तो देखा है कि चार चार महीने के छोटे छोटे बच्चों को वो बेचारी लॉक करके जाते हैं चोरी से नौकरी करने के। आप अम्मी का नुक्ता नजर भी तो समझे। तुम चुप करो, मैं खुद हारिस को समझा लूंगी। अरे बड़े दुख है अम्मी वहाँ की औरत को, आपको मैं क्या समझाऊं। अस्पताल में आती है ना तो वो आजादी चाहती है, आजादी तो बेचारी चाहती है लेकिन उसकी कीमत अदा नहीं करना चाहती। जो लोग ऐसा करते हैं ना वो दुख से हम किनार होते। दुख मालूम नहीं है हारिस बेटे। जानता हूँ अम्मी, जानता हूँ, सब जानता हूँ। दुख आप यहाँ के दुख अपनी जिंदगी से निकाल के तो मगरिब के दुख अपने आना चाहते हैं। देखिए दुख तो दुख होता है, वो यहाँ का हो या मगरिब का हो, आप खां खां मगरिब से दुख इम्पोर्ट करना चाहते हैं। हमें उनके दुख अच्छे लगते हैं, उनमें एक तरह का वकार है, उन दुखों में ज्यादा आजादी है, फ्रीडम है, वो हमें ज्यादा सेहतमंद दुख लगते हैं। उन दुखों में जान है, हम तो भेड़ बकरी हैं, खूंटे से बधी गाय। वाह अम्मी वाह। रजा तुम फिर आ गए हो, भागो यहाँ से, कभी तो हारिस को आराम से बैठने दिया करो। अभी आ जाएंगे बाजी, एक मिनट में। भाग जाओ फौरन, चलो भागो। अच्छा अच्छा भागते हो कि नहीं तुम, चलो फौरन जाओ। मैं कह रही हूँ तुम्हें भाग जाओ फौरन, जाते हो कि नहीं। मैं भी आया। अगर आप मेरे साथ चलते ना हारिस भाई, खुदा कसम मजा आ जाता। यार मैं तो तैयार था, तुम ही मजबूती नहीं दिखाई। ये सिनेमा बाजी कुछ करने ही नहीं देती। मजेदार है ना? फर्स्ट क्लास है यार। इसकी दुकान कहाँ है? माया स्कूल के करीब ही है। जब ये दोपहर को लगाता है ना कबाब हारिस भाई, सीधी हवा क्लासरूम में आती है, एक भी सवाल ठीक नहीं निकलता। आया? मिर्चल तो ज्यादा नहीं है। अरे नहीं फर्स्ट क्लास है, देखो खा कर रहा हूँ। वहाँ कबाब होते हैं बफलो सिटी में? अरे नहीं यार, वहाँ कबाब कहाँ होते हैं, वो स्टेक्स होते हैं, वो भी फूस लेता है। अमोनिया गैस बना रहे हैं। तो जब हम कबाब नहीं मिलते तो हम मिलता क्या? सब कुछ करना हारिस भाई, लेकिन यहाँ वापस आने के मुतालिक कभी ना सोचना। हम तुम्हारे पास आते जाते रहा करेंगे, लेकिन तुम कभी पलट के भी नहीं देखना इधर। ये बहुत अच्छा। कोई यहाँ आकर करेगा भी क्या, जिसको अल्लाह ने मौका दिया हो, हालात साजगार हो, इज्जत हो, मुलाजमत हो, वो पाकिस्तान आकर क्या करेगा। आना तो एक तरफ नाना अब्बा,
सोचना भी नहीं चाहिए इनको आने के मुताल्लिक। भाई अब हमारी तो उम्र नहीं रही, वरना मैं भी वहीं जाकर सेटल हो जाता। क्यों अब्बा जी, उम्र क्यों नहीं रही? हाँ उम्र तो यही है आपके वहाँ जाने की, सेटल होने की। आखिरी उम्र तो आराम से गुजरे। ये अब तंजिया बात कर रहे हैं हारिस भाई, सार्केस्टिक। मैंने तंजिया सार्केस्टिक ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आप लोगों से मुतासर होकर बात कर रहा हूँ। भाई जिससे बात करता हूँ, पुराने दोस्तों से, बाजार में जाता हूँ, लोग मिलते हैं, माशरे के जो लोग मैंने तो देखे हैं उनमें उनसे तो ये एहसास होता है खत्म हो गई है। ओ बाश है, सही असेसमेंट है आपकी, बिल्कुल सही नतीजा निकाला है आपने, और है भी हकीकत। हाँ आपकी ये बात तो मैं चले मान देता हूँ, लेकिन दूसरी बात हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक कौम जो है वो सिर्फ इसलिए बालातर है, इसलिए अच्छी है कि वो सिर्फ स्टील की गरारियां बना सकती, या फिर उसके पास वो न्यूट्रॉन बम है, या फिर सिंथेटिक ड्रग्स तैयार कर सकते। नहीं 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 यार, ये बात नहीं। तो ये बात भी है और अखलाकी बात भी है। मगरब के लोग अखलाक में, लेन देन में, इंसानी मामला की बजावरी में हमसे बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर नाना, अब कोई मुकाबला ही नहीं है। अब देखिए ना हारिस भाई, आपके यहाँ दूध की बोतलें रख जाते हैं बाहर बंद दरवाजों पर, यहाँ कोई रख के तो दिखाए, दूध दरवाजे पे खड़े होकर पी जाएंगे और खाली बोतलें ले जाए तो बाड़ियों के पास भेज देंगे। वहाँ मैंने एक स्क्वायर पर अखबार रखे हुए देखे, बेचने वाले का नामो निशान भी नहीं था। लोग आए, अखबार उठाए, संदूकची में पैसे डाले और चले गए। यहाँ कोई अखबार रख के कोई दिखाए इस तरह कुलम खुले। भाई वो जो कोई काम भी करते हैं साफ सुथरा, कोई बेईमानी नहीं, किसी किस्म की हैंकी पैंकी नहीं करते। देखो 100 दाने ही भेजेंगे ना तो 5 दाने ऊपर से रख के भेजेंगे, हमारी तरह नहीं है कि हम फाउंटेन पेन भेजेंगे तो मिसवाके निकल रही है। अच्छा। तौलिये भेजेंगे तो टाट के टुकड़े बरामद हो रहे हैं, और ढली हुई मशीनें भेजेंगे तो ईंट पत्थर निकलेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जरा उन्हें छोटी छोटी बेईमानी करने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको तो। वो तो बड़ी बेईमानी करते हैं, दोस्तों को बड़े बड़े मुआहदे करके यूं बीच मझधार में छोड़ देते हैं। भाई यकीन नहीं आता तो वो पाकिस्तान से पूछ लो, मिस्र से पूछ लो, और बहुत से मुल्क हैं जिनके साथ उन्होंने बड़े बड़े मुआहदे किए और बीच मझधार में उन्हें छोड़ दिया। देखिए आप लोग जनरलाइज ना किया कीजिए कि वो क्या है, वाह 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 वाह, और दूसरी कौम उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम में है क्या, क्या खूबी है हम में? अम्मी मेरे ख्याल में तो ये सारी खूबी है। मसलन मैं क्या, देखो हम तमाम सुर लगाकर शुद्ध बिहाग गा सकते हैं, कोई कौम नहीं गा सकते। अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर, यानी जवान को खूबी बना के बयान कर रहा हूँ। वाह भाई वाह हारिस मियां, शाबाश। वो हमें और भी बड़ी खूबियां हैं, मसलन कैलीग्राफी है, खत्ताती, खुशनवीस अपनी उंगलियों से खूबसूरत फूल बिखेर देता है कागज पर। खताती क्या भाई, किताबत अम्मी जी। क्यों बेइज्जती कर रहे हैं हारिस भाई हम लोगों की? अरे यार तुमने कभी कहा सुना वलायत की मंडियों में उसके गिर्द व्यापारी यूं घूम रहे होते? क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार, हम जुलाहों का, ढोंढाड़ियों का। कोई टेक्निकल खूबी बताए पाकिस्तान की। हाँ कोई काबिल फख्र अचीवमेंट बता दें। मेरे ख्याल में तो ये सारी काबिल फख्र अचीवमेंट। ये बात हमारे सामने कर दी, किसी और के सामने ना कर देना। मुझे याद है जब हम ऑपरेशन थिएटर में हार्ट सर्जरी के लिए दाखिल होते हैं ना, ग्लव्स पहनते हैं तो डॉक्टर हम्फ्री, डॉक्टर माइजर, डॉक्टर जॉन, वो सब लोग ग्लव्स पहन के ये कह रहे होते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओनली पाकिस्तानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लीज, और फिर ऑसिलोस्कोप पर हार्ट बीट देखते हैं वो लोग, और मैं अल्लाह नूर समावात वल अर्द कह के तो ऑपरेशन शुरू करता हूँ, और जब दिल खोलता हूँ तो वो लोग हार्ट बीट देख रहे होते हैं ऑसिलोस्कोप, और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये हार्ट बीट ऑसिलोस्कोप ये तो सब जगलरी की बातें हैं, ये तो दिल का मामला है, दिल के साथ मरीज के दिल का और डॉक्टर के दिल का, बाकी तो सब जगलरी है, और जगलरी शोहरत तो इसमें बहुत है, काम वाम कुछ नहीं आता। आरिस भाई जो कुछ भी है काम आपने सीखा उन्हीं से, और रही बात हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वालों की, ये लोग खुद कुछ नहीं, जो कुछ भी बनाते हैं उन्हीं के नक्शों के मुताबिक बनाते हैं। ये सारा इल्म उन्हीं का है, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास भाई कोई खूबी नहीं है, सब खूबियां उन्हीं के पास। उनके हाँ तो मोहब्बत भी साइंटिफिक तरीके पर की जाती है, हमारी तरह से गीत गाता के नहीं। उनके हर काम में एक मेथड है, उनके पोस्टर्स, गैजेट्स, उनके रसाले, स्टिकर्स, सारी दुनिया मानती है उनको, हमारे पास क्या है? शुद्ध बिहाग है हमारे। वाह भाई देखें अब तो शुद्ध बिहाग भी नहीं रहा हमारे पास। मेरे ख्याल में कोई कौम
अपना तमस्कर जब उड़ाती है और एहसास कमतरी का शिकार होती है तो वो टूट जाती है, उसमें खौफ पैदा हो जाता है, और कोई शख्स दूसरे शख्स को एहसास कमतरी में बिल्कुल मुबतला नहीं कर सकता बगैर उस शख्स की इजाजत। तुम लाख दलीलें दे लो, हजार समझा लो, लेकिन मेरा मुताला है कि मगरब के लोग हमसे बेहतर हैं, हमसे बहुत सुपीरियर हैं। I second it. और मैं इसकी तायीद मजीद करता हूँ। देखिए ख्वातीन हजरात, मैं अब आपको सिर्फ 3 दिन देता हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने इस खौफ से निकल आइए, वरना फिर सर्जन होते हुए मैं आप सबका ऑपरेशन करूँ। फिर या किस्मत या नसीब, जो अल्लाह को मंजूर। मंजूर, मंजूर, मंजूर। ये हारिस मियां का खत आया था सुबह मेरे नाम, मैं बंद का बंद ऐसी लाइब्रेरी ले गया, मैंने पढ़ा भी नहीं था, देखना इसमें क्या लिखा है। कब आ रहा है सिराजी से? हम भी तो देखें क्या लिखा है हारिस भाई ने। अम्मी मुझे लिखा था 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। अच्छा, मुकर्मी नाना जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों से मिलकर और पूरे 13 दिन आपसे तबादला ख्याल करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वाकई मगरब हमसे बेहतर है और हर लिहाज से हमसे आला है। जब तक मैं वलायत रहा इन लोगों को अपने जैसा ही समझता रहा, लेकिन आप सब ने इनकी बर्तरी मुझ पर वाजे कर दी है और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई इनकी हर चीज अच्छी है और इनका हर काम हमसे बेहतर है। मैंने फैसला कर लिया कि बीवी भी वहीं की होनी चाहिए। क्या? मैं किसी अमेरिकन या यूरोपीय लड़की से शादी करूंगा और एक बेहतर और अच्छे माहौल में अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश। आप मेरे इस फैसले पर खुश होंगे और मुझे दिल से दुआ देंगे। मैं कल सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट से वापस स्टेट्स जा रहा हूँ, अब आइंदा जिंदगी वहीं गुजारूंगा। सबको सलाम, सबको प्यार, खास तौर पर रजा को। ये खत मेहरबानी करके अबू को भिजवा दे टोकियो। और क्या, वही इसके बड़े आशिक लाड़। अरे कमियों का लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, मैं इसके बाप को जानता हूँ, इसके दादा को जानता हूँ, मुझे इसके सारे खानदान का इल्म है। हमें क्या परवाह अब्बा जी, क्यों सलीमा? ये छोटी जात के लोग होते ही ऐसे ओछे। ऊपर से वलायत क्या चला गया, सुरखाब का पर लग गया इसे। हमारे बुत तो रहते ही फॉरेन टूर्स में कई साल से, 12-13 साल से बेटे। हम क्या परवाह करते हैं टट समझी होगी। क्यों बाजी? हमें किसी की कोई परवाह नहीं। फिनिश फॉरएवर, नो मोर टॉक।